हेलो दोस्तों, आज अपने इस 14वें दिन के ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं आज तक पढ़े गए जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उनकी कुछ बारीकियों के बारे में आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। दोस्तों, हम सबको पता है, कल ही हमने टेंसेस के अंदर कुछ ऐसे रूल्स को जाना जिनको जानना हमारे लिए एक आश्चर्य भी था, क्योंकि हमने देखा कैसे टेंस सेट करते समय टेंस सेट करने वाले के मन में कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन हुआ। कैसे? दोस्तों, आपको पता है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें एक बात का डर हमेशा रहता है कि अगर हम इस काम को सही से नहीं कर पाए तो हमारी आलोचना करने वाले 1000 लोग खड़े हो जाएंगे। उसी तरह से जब पहली बार किसी भी भाषा के ऊपर कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी नया रूल, कोई भी नया वर्ड या कोई भी नई चीज किसी भाषा के विकास के लिए उस भाषा में जोड़ी जाती है, तो कुछ ना कुछ दिमाग में ये जरूर कहीं ना कहीं रहता है कि कहीं हमने ये जो चीज जोड़ी है ये गलत तो नहीं है। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हम कभी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन हमेशा इस बात से घबराता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं। पर उसके दूसरी तरफ जब कोई ऐसा काम आप करते हैं जिसमें आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये काम बहुत अच्छा कर रहा हूं, तो उस समय आप बहुत श्योर होते हैं, आपकी आवाज में दम होता है, आपके शब्दों में वजन होता है। तो दोस्तों, कल आपने देखा था कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक रूल को मैंने आपको ब्रेक करके दिखाया था, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा था कि उस रूल को बनाने में टेंस बनाने वाले को क्या दिक्कत आई और फिर कैसे उसने उसका सॉल्यूशन दिया। क्योंकि अगर वो रूल बनाने में कहीं भी चूक जाता या कहीं भी उससे कुछ मिस्टेक हो जाती तो आगे चल करके उस चीज को सही करने वाले बहुत सारे आ जाते और जो प्रारंभिक रूप में वो टेंसेस हमें पढ़ने को मिले थे उनमें कई तरह के चेंजेस आते। पर हमने देखा कैसे वो 12 लाइनें इतने पुराने समय से हम सभी लोगों के लिए एक अध्ययन का विषय बनी हुई हैं और हम सभी लोग उन्हीं 12 लाइनों को आज तक अपने टेंसेस पढ़ते समय यूज करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मेरी दूसरा टॉपिक है ये, जिसमें आप देखेंगे मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। दोस्तों, एक लिखा है राम एट एन एप्पल और दूसरा लिखा है राम हैड ईटन एन एप्पल। दोस्तों, अगर आप पहचान पा रहे होंगे तो एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आपको पता है एट ईट की सेकंड फॉर्म है। इसमें आप देखेंगे कैसे मैंने यहां पर लिख दिया ईट एट ईटन। अब आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि जब हम यह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हमारे लिए बनाती है। उसके बाद जो मैंने दूसरे वाले सेंटेंस में लिखा दोस्तों, वो लिखा है राम हैड ईटन एन एप्पल। इस सेंटेंस को आप पढ़ के समझ पा रहे होंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल है। पहला पास्ट सिंपल का दोस्तों और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल। इससे हमें क्या पता चला दोस्तों, आज हमें दो टेंसेस के बीच का कंपैरिजन करना है। कैसे करना है दोस्तों? मैंने लिखा राम एट एन एप्पल, जैसे हम लिखते थे राम प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता था, उसी तरह हमने लिख लिया राम एट एन एप्पल, इसका मतलब राम सेब खाता था। दूसरे शब्द में हमने क्या लिखा दूसरी लाइन में, राम हैड ईटन एन एप्पल, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, राम एप्पल खा चुका था। अगर दोनों शब्दों के हम बेस में जाएं तो इसका मतलब ये है कि राम ने एक एप्पल खाया था। पहला सेंटेंस कहता है राम एप्पल खाता था, दूसरा सेंटेंस कहता है राम एप्पल खा चुका था। दोस्तों, कई बार हमारे मन में कई चीजों को लेकर के कंफ्यूजन होता है। दोस्तों, इंग्लिश उतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी हमें लगती है या वो इतनी सरल भी नहीं है जितनी हमें महसूस होती है। जैसा कि हमने पढ़ा राम क्रिकेट खेलता था, इसका मतलब ये हुआ राम क्रिकेट खेला था। दोस्तों, दोनों सेंटेंसेस में भले ही एंडिंग में फर्क है, बट जब इंग्लिश सीखते सीखते हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि काफी सारे सेंटेंसेस की हिंदी भले ही अलग अलग हो पर उन सबकी इंग्लिश एक ही होती है। जैसे आप यहां पर देखिए, राम एट एन एप्पल, राम ने एक एप्पल खाया था, राम एड ईटन एन एप्पल, राम ने एक एप्पल खाया था। दोनों ही केसेस में अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों की हिंदी अलग है। पहले वाले की है राम क्रिकेट खेलता था, जबकि दूसरे वाले की है राम क्रिकेट खेल चुका था। अगर मैं टेंसेस की बात करूं, टेंसेस से इनका कंपैरिजन करूं, अब अगर मैं खुद इनके मीनिंग की बात करूं दोस्तों, तो राम एप्पल खाता था, राम एप्पल खा चुका था, इसका मतलब एक एप्पल था जिसे राम ने खा लिया था।
दोनों के सेंटेंस मेकिंग में फर्क है दोस्तों। पर अगर इंग्लिश में कोई आपसे कहे कि राम ने एक एप्पल खाया था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों आपको पता है राम एप्पल खाता था, राम एप्पल खा चुका था, दोनों ही सेंटेंसेस में राम ने एक एप्पल खा लिया था। अगर कोई आपसे इस तरह भी पूछ रहा है कि राम ने एक एप्पल खा लिया था, उसकी इंग्लिश क्या होगी, तो वो आपको इन्हीं दो टेंसेस की हेल्प से बताना पड़ेगा। दोस्तों जब मैं खुद आज से 15-16 साल पहले इंग्लिश पढ़ना सीख रहा था तो मेरी टीचर ने मुझे इसी तरह बताया था। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि कई बार हम छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं या छोटी चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं, या कई बार हम किसी से पूछने जाते हैं तो कोई कहता है इतनी छोटी सी बात तुम्हें नहीं आती। कई बार ऐसा होता है दोस्तों हम छोटी सी बात खुद नहीं पूछना चाहते, शर्म से या झिझक से। मैं आपको इतनी सारी बातें इसीलिए बता रहा हूं छोटी छोटी क्योंकि मैंने इन चीजों को खुद फेस करा है। मैंने इंग्लिश को सीखते समय बहुत छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा था दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था आगे चल करके इंग्लिश मेरा करियर बनने वाली है और ये मेरी पर्सनैलिटी के लिए बहुत जरूरी भी था कि मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लेता हूं तो मैं हर जगह कॉन्फिडेंट रहूंगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने दो सेंटेंस लिखे, अब किसी ने उसे तीसरे तरीके से पूछ लिया, राम ने सेब खा लिया था। हमारे दिमाग में आया कि यार सर ने तो हमें बताया नहीं सेब खा लिया था, इसकी एंडिंग तो कुछ अलग है, अब कौन सा टेंस लगेगा? दोस्तों यहां पे आपको अपनी थॉट्स को अप्लाई करना है। सोचते सब हैं दोस्तों, जो दूर की सोचता है वो हमेशा आगे निकलता है। उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि राम ने एप्पल खा लिया था, इसका मतलब राम एप्पल खा चुका था। दोस्तों जब मैं इंग्लिश पढ़ना सीख रहा था तो एक बार मैंने अपनी एक दोस्त के घर फोन करा ये जानने के लिए कि वो पिछले 3 दिन से ट्यूशन में या कोचिंग में क्यों नहीं आ रही है। मैंने उसके घर फोन करा, मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा, मैंने कहा कि सरिता आजकल कोचिंग नहीं आ रही है, कहाँ है सरिता? तो दोस्तों इसकी इंग्लिश हुई, सरिता इज नॉट कमिंग टू कोचिंग नाउ ए डेज, वेयर इज शी? ठीक है, मैंने इसको आसानी से ट्रांसलेट कर लिया। दोस्तों जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो मेरी आदत थी टीवी में दिखाए जाने वाले जितने भी सीरियल होते थे उनमें जो कोई भी किरदार जो कोई भी डायलॉग बोलता था मैं जल्दी से जल्दी उसकी ट्रांसलेशन करने की सोचता था। जहां दिक्कत आती थी अगले दिन अपनी टीचर से पूछता था, या डेली बेस जब भाई हम कभी लोग हम लोग आपस में मिला करते थे, हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था दोस्तों का, दोस्तों वो एक ऐसा बैच था हम लोगों का कि जिसमें हम 15-16 बॉयज और गर्ल्स थे, लड़के और लड़कियां थे, और लगभग सभी लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे। दोस्तों ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि अक्सर हम लैग पुलिंग में लग जाते हैं, टांग खिंचाई में लग जाते हैं, पर हम उस बैच में सब कोशिश करते थे एक दूसरे की मदद करने की। जब भी हमें कोई टास्क हमारी टीचर मिसेस कनिका जयसिंह के द्वारा दिया जाता था तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से करते थे, उसमें और जान लगा दिया करते थे कि कल को जब हमारे इस टास्क को हम परफॉर्म करेंगे तो हम बेस्ट होने चाहिए। उसके लिए मैं आज भी अपनी उस टीचर को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आज इस लेवल पर पहुंचाया कि मैं आपसे इस स्क्रीन पर बात कर पा रहा हूं। तो दोस्तों जैसे ही उसके पेरेंट्स से मैंने ये बात पूछी कि सरिता कहाँ है, वो काफी दिनों से ट्यूशन नहीं आ रही है, उसकी मम्मी ने बोला कि बेटे सरिता दिल्ली गई है इसीलिए वो ट्यूशन नहीं आ रही है। तो दोस्तों मैंने ये तो सोच लिया इसीलिए वो ट्यूशन नहीं आ रही है, दैट इज वाई शी इज नॉट कमिंग टू ट्यूशन, पर मेरे दिमाग में आया कि सरिता दिल्ली गई है ये क्या हुआ? क्योंकि मैंने तो पढ़ा था सरिता दिल्ली जाती है, सरिता दिल्ली जा रही है, सरिता दिल्ली जा चुकी है, सरिता सुबह से दिल्ली जा रही है, इस तरह के सेंटेंसेस मैंने पढ़े थे, पर मैंने तो कहीं ये पढ़ा ही नहीं कि सरिता दिल्ली गई है। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलता रहा, मैंने अगले दिन के लिए इसे रख लिया कि मैं अपनी टीचर से सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा। अगले दिन जब मैं कोचिंग गया मैंने अपनी टीचर से कहा, मैंने कहा मैम मुझे इस सेंटेंस की इंग्लिश नहीं आ रही है, कृपया आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा मुझे सेंटेंस बताओ, मैंने कहा मैम सेंटेंस है सरिता दिल्ली गई है। तो मैम ने कहा इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा मैम ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। उन्होंने कहा मैंने पढ़ाया तो है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा निखिल उन 12 सेंटेंसेस को याद करने के साथ साथ दिमाग में उनको यूज करने की ट्रिक्स भी लाओ। कैसे? सरिता दिल्ली गई है इसका मतलब अब सरिता दिल्ली में है, इसका मतलब सरिता हरिद्वार से दिल्ली पहुंच चुकी है, इट मीन सरिता हैज गॉन टू दिल्ली, सरिता दिल्ली जा चुकी है, सरिता दिल्ली गई है, एक ही तो मतलब हुआ। दोस्तों उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि हिंदी के जितने रूप हैं शायद इंग्लिश के उतने रूप हमें देखने को ना मिलें। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने सेंटेंसेस में एडजस्टमेंट के थ्रू ये जानना पड़ता है कि जो हम सुन रहे हैं, जो हमें कहा जा रहा है, या जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें पढ़ाया जा रहा है,
उसको हम दूसरी जगह कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हमें छोटी सी चीज आती है और कैसे हम उसे बड़ा बना देते हैं। तो दोस्तों मुझे उस दिन समझ में आ गया कि सरिता दिल्ली जा चुकी है का मतलब है सरिता दिल्ली गई है, तो आगे से सेंटेंस मेकिंग मेरे लिए इजी हो गई। तो दोस्तों यहां लिखा है पहले नंबर पे राम एप्पल खाता था, दूसरे नंबर पे लिखा है राम एप्पल खा चुका था, इसका मतलब हुआ राम ने एप्पल खाया था। अगर कोई मुझसे कुछ भी पूछ ले, मेरी मम्मी ने आके मुझसे पूछा कि फ्रिज में निखिल एक एप्पल रखा था तुमने खाया, मैं कहूंगा यस मम्मा आई एट, इसका मतलब मैंने खाया था। या मैं कहूंगा यस आई हैव ईटन, इसका मतलब मैंने खाया है। या आई हैड ईटन, हाँ मैंने खाया था। अब आप सबके मन में जरूर आएगा कि जब हम इन दोनों को साथ, दोस्तों ये एक ऐसे टेंस है जिनके बारे में हमसे कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ऐसे टेंस हैं जिन्हें पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों इन दोनों ही सेंटेंसेस में अगर आप काम देखेंगे तो काम खाने का हुआ है, एप्पल खाने का हुआ है, राम ने खाया है, लगभग लगभग दोनों का मीनिंग भी सेम है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस में आपको कंफ्यूजन आती है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, दोनों में टाइम का फर्क होता है। जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था आई टॉट यू यस्टरडे, क्या मतलब हुआ दोस्तों, मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब ये मैं आपको कल पढ़ाता था से मत लीजिएगा, मैंने आपको कल पढ़ाया था, आपने लिख दिया यू आई टॉट यू यस्टरडे। मैंने आपको 15 दिन पहले पढ़ाया था आई हैड टॉट यू 15 डेज अगो। दोस्तों फर्क समझ में आया, वो सेंटेंस जिसमें कोई काम हाल ही में हुआ है वहां हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं, जहां कहीं भी काम हुए काफी दिन बीत जाते हैं वहां पर हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। पीएम मोदी हैड अनाउंस्ड द लॉकडाउन ऑन 24th या ऑन 23rd ऑफ मार्च, तो मैंने हैड अनाउंस्ड क्यों कर दिया दोस्तों, क्योंकि उन्होंने एक महीने पहले करा था। अगर मैं कर दूं पीएम मोदी अनाउंस्ड फ्रीडम फ्रॉम लॉकडाउन ऑन 23rd ऑफ अप्रैल, इसका मतलब उन्होंने आज कल में करा था। तो इसका मतलब हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, राम प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता था, राम हैड प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका था। अगर किसी ने मुझसे कहा क्या राम क्रिकेट खेला था, तो इसकी दो इंग्लिश बनती है दोस्तों, डिड राम प्ले क्रिकेट या हैड राम प्लेड क्रिकेट। अगर किसी ने मुझसे राम के बारे में 15 दिन पहले की बात जाननी चाहिए तो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस लगाऊंगा, अगर किसी ने मुझसे हाल ही की बात जाननी चाहिए तो मैं पास्ट सिंपल टेंस लगाऊंगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं डिड राम ईट एन एप्पल, इसका मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या राम ने सेब खाया था, इसका मतलब आजकल एक दो दिनों की बात है। पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं हैड राम ईटन एन एप्पल, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं कोई पुरानी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, कोई ऐसे समय की जब पुराने समय मैंने किसी एप्पल की आपसे बात करी थी। तो इस चीज से हमें यह पता चलता है दोस्तों कि वो, जैसे मैं कहूं मैं कल ऑफिस गया था आई वेंट टू माई ऑफिस यस्टरडे, ये ठीक है मैं कल ऑफिस गया था, मैंने पास्ट सिंपल टेंस लगा दिया। अगर मैं कहूं मैं एक महीने पहले ऑफिस गया था आई हैड गॉन टू माई ऑफिस 15 डेज अगो, चली बात दोस्तों, आई मेट यू यस्टरडे, मैं आपसे कल मिला था। अगर मैं कहना चाहूं आई हैड मेट यू लास्ट ईयर, तो वो हैड मेट हो गया क्योंकि मैं आपसे काफी समय पहले मिला था। दोस्तों बहुत छोटी छोटी बातें हमें जानना जरूरी है। अब इसी तरह आप देखिए कि हमने इन दो सेंटेंसेस का फर्क देख लिया, पहले वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस लगा है, इट मींस ये हाल ही की घटना है, राम ने हाल ही में कोई एप्पल खाया था, ये घटना कुछ समय पहले की है, इसका मतलब राम ने कुछ समय पहले एप्पल खाया था। अब मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों बोर्ड पर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, दोस्तों यहां पर दो काम हो रहे हैं, दो सेंटेंस बन रहे हैं, एक देखिए हैड डाइड और एक दूसरा हो गया अराइव्ड, इसमें दो काम हुए हैं दोस्तों। पहला
पेशेंट के मरने का, दूसरा डॉक्टर के आने का। जो मैंने यहां पर लगाया दोस्तों वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो मैंने यहां पर लगाया दोस्तों वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब एक ही सेंटेंस में दो टेंस यूज हुए हैं। दो टेंस यूज होने का मतलब वर्ब की दो फॉर्म लगी है। वर्ब की दो फॉर्म यूज होने का मतलब दोस्तों दो एक्शन वर्ड्स यूज हुए हैं। इसका मतलब एक सेंटेंस में दो काम हुए हैं। तो इन सेंटेंसेस में जो काम हुए हैं उनकी तरफ ध्यान लगाएं दोस्तों। एक तो पेशेंट की डेथ हुई है, दूसरा डॉक्टर आया है। अराइव का मतलब होता है आना। एक तरफ तो पेशेंट की डेथ हुई है दोस्तों, दूसरा हमारा डॉक्टर आया है। जो सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। दोस्तों जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखें। मैंने बहुत ज्यादा समय इस टेंस के सेंटेंसेस को पेपर में आते देखा है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। पेशेंट की डेथ हुई है दोस्तों और डॉक्टर का आना हुआ है। अब जब यहां पर दो काम हुए हैं तो देखिए पहला कौन सा हुआ है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। इसका मतलब डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। इसका मतलब जब डॉक्टर एंटर करता है घर में उससे पहले पेशेंट मर चुका था। इसका मतलब दो काम हुए हैं, पेशेंट के मरने का और डॉक्टर के आने का। पहला काम कौन सा हुआ है? पेशेंट की डेथ होने का। तो दोस्तों समय के हिसाब से एक सेंटेंस में जो काम पहले होता है उस वाले सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, जैसा कि मैंने यहां लगाया, और जो काम बाद में होता है उसके साथ पास्ट सिंपल टेंस लगाते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर करा। तो इससे आप एक बात समझ गए होंगे दोस्तों, अगर मैं इसको कर दूं द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तब भी ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब मुझे हर सेंटेंस में ये देखना पड़ेगा, अगर पास्ट में दो काम हो रहे हैं तो पहले होने वाले काम के साथ मैं पास्ट परफेक्ट टेंस लगाऊंगा, उसके बाद मैं पास्ट सिंपल टेंस लगाऊंगा। आई हैड मेट मोहन फर्स्ट देन आई मेट सोहन। आई हैड मेट मोहन फर्स्ट, पहले मैं मोहन से मिला था, देन आई मेट सोहन, तब मैं सोहन से मिला था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो इसमें भी जो पहले काम हुआ था ट्रेन के जाने का, उसके साथ मैंने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और दूसरे सेंटेंस में मैंने आई रीच्ड लगा दिया खाली पास्ट सिंपल। तो जब कभी भी दो टेंस होते हैं वहां पर हमें पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है और दूसरी जगह पास्ट सिंपल टेंस लगाना है। कई बार हम घर में कहते हैं ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था, कहते हैं ना, ऐसा तो होना ही था, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दिस हैड टू हैपन, ये तो होना ही था। तो दोस्तों थोड़े कंफ्यूजिंग जरूर लगेंगे आपको, पर आप अपना ध्यान अपना विश्वास इंग्लिश में बनाए रखिएगा। आज के लिए मुझे लगता है हमें यह समझना बहुत जरूरी है कैसे इन दो सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा मैं तुम्हें जानता हूं। दोस्तों सेंटेंस बनता है आई नो यू। दोस्तों ये सेंटेंस भी कॉम्पिटिशन के लिए बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। किसी ने कहा मैं तुम्हें सन 2000 से जानता हूं, तो मुझे क्या करना है दोस्तों, यहां पर सिंस 2000 लगाना है, जैसा कि हमने कल पढ़ा भी था कि समय के साथ हम सिंस और फॉर लगा देते हैं। सिंस उस समय के लिए लगाते हैं दोस्तों जिस समय को हम पॉइंट से जानते हैं, उस समय से। तो मैंने यहां पर सिंस 2000 लिख दिया, पर अगर पेपर में यह सेंटेंस आ गया आई नो यू सिंस 2000, उन्होंने इसके तीन चार पार्ट कर दिए, उन्होंने हमसे पूछा कि बताइए ए पार्ट में गड़बड़ है, बी में गड़बड़ है, सी में गड़बड़ है या डी में गड़बड़ है, तो आपको ऐसा लगेगा मैं तुम्हें सन 2000 से जानता हूं, आई नो यू सिंस 2000। आपको लगेगा सर ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने कहा था मैं आपको जानता हूं, ताहू ते तुम के लिए प्रेजेंट सिंपल लगेगा, तो वो प्रेजेंट सिंपल यहां पर लगा हुआ है और सिंस 2000 पीछे जोड़ा हुआ है। तो क्या ये सही है या कोई पार्ट गलत है? मैं आपसे कहूंगा कि हाँ ये पार्ट गलत है, क्योंकि जहां पर समय लग जाता है दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस में, जहां पर पीछे तातेती भले ही आ रहा हो पर उसके साथ समय जोड़ दिया गया हो, तो वहां पर आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाइए, जैसा कि मैंने यहां पर लगा दिया। इससे क्या पता चलता है दोस्तों, अब जो रियल सेंटेंस राइट सेंटेंस बनता है
वो बनता है आई हैव नोन यू सिंस 2000। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी दोस्तों। अगर मैं आपको जानता हूं तो आई नो यू, मैं आपके साथ चलता हूं आई वॉक विद यू, मैं आपके साथ पढ़ता हूं आई स्टडी विद यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहां पर सिंपल समय की बात नहीं की गई है वहां पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगा दिया। दोस्तों ये टेंसेस की बारीकियां हैं, ये सीखने के लिए हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों अगर टेंसेस से ही सारी दुनिया चल रही होती तो इन 12 लाइनों को रटना किसी के लिए शायद मुश्किल ना होता। पर जब हम कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं, जब हम इंग्लिश के विस्तार की फैलाव की बात करते हैं तो हमें इन पॉइंट्स को जानना जरूरी है। जैसे ही कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस लगता महसूस हो पर उसके साथ समय लगा दिया गया हो, उस समय आपको जो टेंस यूज करना है वो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, प्रेजेंट इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहां मैं आपको 20 साल से जानता हूं, आई हैव नोन यू फॉर 20 ईयर्स। मैं आपको सन 2000 से जानता हूं, आई हैव नोन यू सिंस 2000। मैं आपने दूसरा भी पढ़ा था, मैं सुबह से खाना पका रहा हूं, आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी घबराना नहीं है दोस्तों, ये कंपटीशन के लिए आपको बताना बहुत जरूरी है। ये ऐसे दो सेंटेंसेस है दोस्तों जो मैंने कंपटीशन के क्वेश्चन पेपर्स में से ही लिए हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कैसे ये रूल समय को ध्यान में रख के बनाया गया, कैसे इस रूल में समय का यूजफुलनेस के बारे में हमें बताया गया। कई बार समय लगने के साथ ही हमारे टेंसेस का रियल फॉर्म चेंज हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आज की 2-3 बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ये टॉपिक्स स्पेशली उन लोगों के लिए कवर किए जा रहे हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनके एग्जाम्स में ट्रांसलेशन एक टॉपिक है और उन्हें पेपर में ट्रांसलेशन करने को मिलेगा। दोस्तों हम अपने टॉपिक इसी तरह डेली कंटिन्यू करेंगे, जो भी हमारे लिए जरूरी होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है दोस्तों कि बड़ी बड़ी चीजें तो सब पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, उन्हीं छोटी छोटी चीजों से एग्जाम क्रैक होते हैं। तो दोस्तों आगे भी अपना ध्यान पूरी तरह से इन क्लासेस पर लगा के रखिए। जो भी काम आपको दिया जाता है या जो भी हम पढ़ते हैं उसके सेंटेंसेस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर ले वो आपके लिए उतना अच्छा है। दोस्तों मेरा नाम निखिल साहू है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताते रहें, और जो भी इम्प्रूवमेंट या जो भी टॉपिक्स आप इन क्लासेस के थ्रू कवर करवाना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।